हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, एक बार फिर से रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने सभी को जीवित रखा है, संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, मेरे पंखों के में छिपा के रखा। मेरे प्रियजनों, आपको पता ही होगा कि ओडिशा में मेरे प्रियजनों 3 ट्रेनें आपस में टकरा गए हैं और बहुत सारे लोग मर गए हैं। आपको पता होगा कि जो समझ से विश्वास नहीं करते होंगे, अन्य जाति लोग होंगे, वे मर गए होंगे, वे कहाँ को चले गए होंगे। मेरे प्रियजनों, आपको अच्छी तरह से ही पता है, यीशु मसीह ने कहा है जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियजनों, उसमें से संसारिक लोग होंगे, वे मर गए होंगे अपने माता पिता से, बाबिलों से, घर मोहल्लों से, वे लोग बिछड़ गए होंगे, वे कैसे स्थान पे चले गए होंगे। मेरे प्रियजनों, जहाँ की आग नहीं बुझती जाके इकड़े नहीं मरते। मेरे प्रियजनों, इसलिए हम सभी का उद्धार होना बहुत जरूरी है, उद्धार छुटकारा होना बहुत ही जरूरी है। उद्धार हमारा तभी हो सकता है जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अपने पूरे हृदय, पूरे मन से, पूरे प्राण से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह अनंत काल का जीवन देगा। यीशु मसीह ने कहा है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाएगा तो भी वह जिएगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार हम सभी को जिलाएगा। वह जीवता परमेश्वर है, वह जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, उन सभी के घर में हाहाकार मचा होगा। मेरे प्रियजनों, जो लोग मर गए होंगे, मेरे प्रियजनों, इतना बड़ा हादसा हुआ। मेरे प्रियजनों, आप सभी लोग प्रार्थना करिए, परमेश्वर से विनती, दुआ करिए, ठीक है। इस प्रार्थना को आँख बंद करके सुनना मेरे प्रियजनों। यदि आप दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में, बीमारी में ग्रस्त हैं मेरे प्रियजनों, यदि आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, आज आपको परमेश्वर से बताना है। आज आपको इस समस्या से बताने की आवश्यकताएं हैं, तो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, वो करुणा निधान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, कि वो हम सभी से इतना प्रेम किया कि उसने अपना कीमती रक्त बहा दिया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। मेरे प्रियजन, उसके कोड़े खाने से, मार खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं, पापों को क्षमा मिल चुकी है, हमें सभी को अनंत काल का जीवन मिल गया है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने हम सभी को अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र यीशु मसीह में है। मेरे प्रियजनों, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यदि हम मर भी जाएंगे तो भी हम जिएंगे। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह हम सभी को अपने वचन के अनुसार जिलाएगा। यीशु मसीह ने हम सभी से वादा किया है, प्रतिज्ञा की है। मेरे प्रियजनों, ठीक है, यदि आप बीमारी में ग्रस्त है, यदि आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने साथी नहीं हो रही है, यदि आप टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है। वो इतना महान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, आपके दुखों को, आपकी बीमारियों को जीव का त्यू करने जा रहा है परमेश्वर, आपको चंगाई देने जा रहा है परमेश्वर, आपके जीवन में परमेश्वर मिराकल करने जा रहा है, अद्भुत चमत्कार करने जा रहा है परमेश्वर। बस हम सभी को इस मसीह की आज्ञाओं को मानना है, उसके वचनों पर चलना है। इस मसीह ने कहा है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि मेरे प्रियजन हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, ठीक है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, वो करुणा निधान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, ठीक है। परमेश्वर महान है, दयालु है। यीशु मसीह ने कहा यदि तू विश्वास करता है तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है यदि आपकी शादी नहीं हो रही है, यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको यीशु मसीह से बताना है। यीशु मसीह आपके जीवन में वो चेंजिंग लाएगा, बदलाव लाएगा, वो मिरेकल करेगा, अद्भुत काम करेगा परमेश्वर आपके जीवन में। बस हम सबको यीशु मसीह के सामने धर्मी बने रहना है, पवित्र बने रहना है, पाप नहीं करना है, गलतियाँ नहीं करना है, गुनाह नहीं करना है। मेरे प्रियजनों, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो हर एक बात का, हर एक अपराधों का लेखा लेने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, ठीक है, इस प्रार्थना को आँख बंद करके लास्ट तक सुनेंगे, लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे। चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे परमेश्वर पिता। आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं मेरे परमेश्वर पिता। जो आपने यीशु पापा हम सभी को जीवितों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है, एक अनंत काल का जीवन दिया है मेरे परमेश्वर, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद
धन्यवाद करते मेरे प्रभु। कितने मनुष्य होंगे पिता जो मर गए होंगे पिता, जो एक्सीडेंट में मर गए होंगे पिता, जो पिता अपने घर परिवार वालों से बिछड़ गए होंगे पिता, वे बहुत दूर चले गए होंगे प्रभु, वे उस स्थान पे चले गए होंगे प्रभु जहाँ का धुआं युगान उगड़ता रहता है प्रभु, जहाँ की कीड़े नहीं मरते, जहाँ की आग नहीं बुझती मेरे स्वामी। मेरे पिता जो आपने हम सभी का नाम लेके बुलाया प्रभु, उद्धार कर दिया, एक नया जीवन दिया, स्वच्छ जीवन दिया है, पवित्र जीवन दिया है प्रभु, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवादेशु 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 धन्यवादेशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की युवा मेरे प्रभु। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो मसीह भावन पिता बाहर गए हैं, काम के लिए बाहर गए हैं पिता, वे घर आ रहे हैं पिता, उनकी घर आने में वापस आने में उनकी सहायता मदद अगुवाई देखभाल रक्षा करना परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है आज से जहाँ कहे तू जाएगा, मेरा वचन तेरे पाँव के लिए दीपक है, जो चलने में रोक ठोक ना होगी, मेरा वचन तेरे पाँव के लिए उजाला ठहरेगा। मेरे परमेश्वर यीशु पापा आपके नाम से मांगते प्रभु, इस वचनों के द्वारा पिता हर एक मसीह भाई बहन की सहायता करे, मदद करे पिता, हर एक दुर्घटनाओं से पिता बचा के रखिए पिता, और पिता अच्छे रीति से तरीके से पिता ने घर लेकर आइए मेरे परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर यीशु पापा, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे मेरे परमेश्वर पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को मसीह भाई बहन अपने मोबाइल पर पूरे विश्वास के साथ सुन रहे प्रभु, जो लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव कर रहे हैं मेरे स्वामी। मेरे परमेश्वर जो बीमार है पिता, जो बीमारी में ग्रस्त पिता, जो तमाम इलाज दवाई करा चुके मेरे परमेश्वर यीशु पापा, जो नहीं चंगे हो रहे यीशु मसीह, जो तमाम इलाज दवाई करा चुके प्रभु, जो हॉस्पिटलों में एडमिट है पिता, जो कैंसर है, गिल्टियाँ और सलिया बुखार है, हर प्रकार की बीमारियों में लिप्त है पिता, ये नहीं चंगे होते हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन। हालेलुया होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता यीशु मसीह भाई चंगे हो जाए पिता, यीशु मसीह आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मेरे प्रभु आपके नाम से मांगते, आपके नाम से पुकारते मेरे परमेश्वर पिता, इनके इनके जीवन में यीशु मसीह और बदलाव लाइए, वो चेंजिंग लाइए मेरे पिता, अद्भुत काम दिखाइए, वो मिरेकल की जिनके जीवन में यीशु मसीह। मेरे परमेश्वर बीमारियां आपसे बड़ी नहीं है पिता, सिर्फ आपको आदेश देना मेरे परमेश्वर पिता, इनके जीवनों से पिता वो बीमारियां कौन से दूर जाएंगी, बीमारियां कौन से दूर उखाड़ कर फेंक दी जाएंगी यीशु मसीह आपके नाम से। मेरे पिता हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर यीशु पापा, जो मसीह बाबा गरीब है प्रभु, जो लाचार है पिता, जो कमाने में नहीं मेरे पिता, जो 100-200 रुपए पर प्रभु ये उधर उधार ले रहे पिता, अन्य जातियों से उधार ले रहे मेरे परमेश्वर पिता, ये अपनी बेइज्जती अपने हाथों से ना करने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु, ये सब को छोड़ छाड़ के मेरे पिता आपके पीछे है मेरे पिता, आप इनका जीवन संभाल लीजिए पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए मेरे पिता। मनुष्य निर्बल कमजोर है पिता, वह विश्वास से भटक सकता है पिता, शैतान ने गुमराह कर सकता है मेरे परमेश्वर पिता। मेरे पिता आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। मांगते इनके जीवनों में मेरे पिता, मेरे प्रभु के घरों के ऊपर पिता आशीषें उंडेल दीजिए पिता, बरकतें उंडेल दीजिए पिता, तंगी परेशानी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए पिता, ये बहुत तेरी जातियों को उधार देने में बन जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर पिता ये हजार जातियों को नहीं पिता, बल्कि ये बहुत तेरी जातियों को उधार देने में बन जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर यीशु पापा हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता, उन मसीह भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, इनके जीवनों में मेरे पिता तंगी परेशानी लड़ाई झगड़े होते हैं पिता, शैतान कार्यकर्ता शैतानी कब्जा बंधा मेरे परमेश्वर पिता, जो पिता जीवनों में मेरे पिता हर एक करधरा के बंधन है, जादू टोना के बंधन है, जो शैतान की ओर से बंधन है, हर एक गंदी आत्माओं के बद्रोही चालों की बंधन आत्माएं हैं मेरे परमेश्वर, दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से वे बंधन टूट जाए पिता, वे गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, वे बंधन टूट जाए, हर एक करधरा के बंधन टूट जाए, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल जाए यीशु मसीह के नाम से, जल जाए यीशु मसीह के नाम से बंधन। हालेलुया हालेलुया धन्यवादेशु 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 धन्यवादेशु। मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते मेरे प्रभु, उन मसीह बहनों के लिए पिता, जो मसीह बहनों के पिता बच्चे नहीं होते पिता, ने संतान ने मेरे पिता, इस मसीह आपके नाम से आपके दास होने के नाते मेरे परमेश्वर इनके जीवन में इस मसीह आदेश देते मेरे पिता, ने बच्चे की आशीष आने पाए, बच्चे की आशीष आने पाए इस मसीह आपके नाम से। मेरे परमेश्वर पिता जिस प्रकार से मेरे पिता अपने सारा को बच्चे दिए थे इतनी उम्र में मेरे परमेश्वर पिता, उसी तरह से पिता इन बहनों को बच्चे दीजिए पिता, जिन बहनों को पिता
पिता, चाहिए मेरे परमेश्वर मेरे पिता प्रार्थना करें करते पर परमेश्वर पिता, जो मसीह में रात में नहीं सो पाते प्रभु, जिन्हें डर लगता भय लगता गंदे सपने ख्याल विचार आते प्रभु, मेरे पिता को कोई गंदी आत्माएं बद्रू चले इनके जीवन में हस्तक्षेप न करने पाए। जब ये लेटे पिता तब ने सुखी नींद आने पाए, पिता आपके लहू का बाड़ा बांध देते इनके चारपाई के पास। मेरे परमेश्वर आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब जो सुखी नींद आएगी अचानक आने वाले भय से न डरना। मेरे परमेश्वर यीशु पापा आपके नाम से मांगते आपके नाम से पुकारते मेरे परमेश्वर पिता, मुझे आशा विश्वास से प्रभु आपने प्राणों को सुना है, ये छोटी स्मृति उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा, आमीन।